लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने मतदान दलों को चुनावी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जिसके लिए गठित समस्त दलों का प्रशिक्षण शिविर भी पृथ्वीराज कॉलेज में शुरू हो चुका है। इस शिविर में निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात समस्त कार्मिकों और साथी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जहां आपको बता दें, 4 दिवसीय शिविर में रोजाना 300 कर्मचारी और साथी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी आरती शुक्ला ने बताया कि इस शिविर में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में खड़े हैं, यहाँ के पीजी ब्लॉक में। आज हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे मतदान दलों को। मतदान दलों में जिनमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स, हमारे जो मेन इलेक्शन कराने वाले लोग हैं, उन्हीं की आज से ट्रेनिंग शुरू हुई है। ट्रेनिंग 4 दिनों तक चलेगी, 10 बजे से 5 बजे तक। ईवीएम के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं, और पावर पॉइंट के द्वारा नेशनल लेवल के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं या स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो आके हमारे इन सारे दलों को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।